जुगसलाई ईदगाह मैदान तो तैयार था, पर बारिश की वजह से, जलजमाव की वजह से बकरीद की नमाज अदा करने में काफी परेशानी हुई। जुगसलाई स्थित ईदगाह मैदान में बारिश के कारण जलजमाव हो गया था। बकरीद के नमाज के लिए सुबह एकत्रित हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई बरसों में ये पहला मौका रहा जहां स्थान बदलकर उन्होंने नमाज अदा किया और एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। साफ सफाई हुई थी, क्यों नहीं नमाज क्यों नहीं हुई? जो बारिश हो गए, बारिश होने के बाद पूरा एकदम बारिश नदी ईदगाह मैदान में पानी भर चुकी थी, इसके कारण उसके बाद अंदेशा हुआ कि फिर रात में इसको सही करने के लिए, फिर रात में हो सकता है कि पानी गिर जाएगा, इसके अंदेशा के वजह से नहीं। एकदम 30-35 साल से मैं ईदगाह मैदान में नमाज पढ़ रहा और अब की बार बारिश की वजह से और म्यूनसिपालिटी की वजह से जिसके वजह से ईदगाह के नमाज नहीं हुई। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 20 सितंबर को होना है, जिसकी तैयारियों में छात्र संघ जोर शोर से जुटे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव दूसरी बार 20 सितंबर को होना है, इसकी तैयारियों में छात्र संघ जुटे हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा घोषणा पत्र जारी हुआ। परिषद के प्रवेश संगठन मंत्री यज्ञवर ने घोषणा पत्र जारी की और कहा कि शहर में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ शैक्षणिक सुधार और छात्रों का सर्वांगीण विकास परिषद का लक्ष्य है। विद्यालय छात्र संघ, कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो द्वितीय चुनाव है इस वर्ष, उसको लेकर कि साल भर विद्यार्थी परिषद जब जीत कर आएगी तो साल भर हम क्या करेंगे, उसका अपना एक घोषणा पत्र है। और पूरे साल भर के अंदर हम जिस प्रकार से कोल्हान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधार के लिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिए हम जो कार्यक्रम, हम जो अपनी घोषणा, हम जो योजना बनाए हैं, उसका आज आपके सामने, मीडिया के सामने हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत के आती है तो एक माह के अंदर जितना भी यहाँ पे छात्रावास है, छात्रावास का हम मरम्मत कराने वाले हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद पैनल जीत के आती है तो हम इस विश्वविद्यालय को दो भाग में विभाजित करेंगे। एक, चूंकि यहाँ के छात्रों को चाईबासा जाना पड़ता है और पर्याप्त संख्या में एक विश्वविद्यालय को जितना कॉलेज चाहिए उतना कॉलेज इस महानगर के अंदर है, जमशेदपुर के अंदर है, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने घोषणा किया है कि हम यदि चुनाव जीत के आएंगे तो कोल्हान विश्वविद्यालय से अलग करते हुए जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में हम एक विश्वविद्यालय जमशेद जी के नाम से स्थापित करेंगे ताकि यहाँ के इस जिला के बच्चों को जो चक्कर लगाना पड़ता है चाईबासा का, उससे निजात मिले। श्याम जागरण मंच और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भाग लिया। जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित उक्त शिविर में 50 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। मारवाड़ी महिला मंच और श्याम जागरण मंच द्वारा संयुक्त रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। अभी तक 30 बोतल हमारा हो गया है और प्रयास है कि हम इसमें और आगे भी सक्सेस होंगे। श्री मुकुंद जी के पिता श्री मुरलीधर जी परशुरामपुरिया जी हैं, उनकी पुण्य स्मृति में ये कैंप लगाया गया है। मुकुंद जी के प्रति मारवाड़ी महिला मंच आभार व्यक्त करती है। राजेश खन्ना की याद में संगीत संध्या का आयोजन किया गया और सदाबहार गीतों को देश के जाबाज सैनिकों को समर्पित किया गया। बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा जिंदगी कैसी है पहेली नामक संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए किशोर कुमार द्वारा गाए गीतों को पेश कर सभी की खूब वाहवाही लूटी। Thank you.
Oh, 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 oh